हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज हम आप लोग के लिए एक बहुत ही सिंपल सी वीडियो लेकर के आए हैं। बहुत से मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं या नॉन सब्सक्राइबर्स भी हैं, मेरे पास एक्चुअली ये रिक्वेस्ट आई थी कि मैं क्रोशिया की जो बेसिक स्टिचेस हैं, सिंगल क्रोशिया, स्लिप नॉट, हाफ डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, इसको वर्क करने के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ। क्योंकि जब मैं वीडियोस बनाती हूँ मेन पैटर्न्स की, इयररिंग्स की या किसी भी चीज़ की, तो उसमें मैं सारे स्टिचेस आपको बताती हूँ, बट एक सेपरेट वीडियो में मैं उसकी आपको डिटेल्स में बताऊँगी। आज इसी पर मैं एक वीडियो क्रिएट कर रही हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोग को स्लिप नॉट कैसे वर्क करते हैं प्लस सिंगल क्रोशिया कैसे वर्क किया जाता है ये बताऊँगी। देखिए, ये मैंने एक लिया है वूल, जिसे सिंपली ऊन कहिए आप, जो एक्रिलिक है। ये हमने कॉटन थ्रेड लिया है, ये हमने इस तरीके के एम्ब्रॉयडरी थ्रेड लिए हैं जो कि मैं इयररिंग्स वगैरह बनाने के लिए यूज़ करती हूँ। मैं आपको सब पे अलग अलग बताऊँगी जिससे कि जो बिगनर्स हों वो भी ईजिली इसे समझ सकें। बहुत ही सिंपल पैटर्न रहता है ये, एंड मैं आपको बहुत ही ईजी ट्रिक के साथ बताऊँगी। देखिए, क्रोशिया हुक्स भी कई टाइप्स के आते हैं। जैसे ये वाला आप देख सकते हैं, हमारा 0.75 है। इसका यूज़ मेनली हम एम्ब्रॉयडरी थ्रेड्स के लिए करते हैं। दिस वन हमारा देखिए 3 mm का है। इसका यूज़ मोस्टली हम कॉटन थ्रेड के साथ करते हैं। ये हमारा 4 mm का है, जो कि हम मोस्टली ऊन के साथ करते हैं। बाकी हुक साइज पैटर्न के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको कॉटन थ्रेड पे बता देते हैं। देखिए, अगर हम एम्ब्रॉयडरी थ्रेड पे आपको पहले बताएंगे तो मे बी जो बिगनर्स हों उनको थोड़ा सा टफ लगेगा ये। सबसे पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, कि वीडियो को प्रॉपर स्टार्ट करने से पहले वीडियो को प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में जो एक बेल आइकन बना हुआ है वो नोटिफिकेशंस के लिए रहता है, उसमें एक ऑल का ऑप्शन आपको मिलेगा, उसे सेलेक्ट कर दीजिएगा, जिससे मैं नई वीडियो जब भी अपलोड करती रहूँगी तो उसकी नोटिफिकेशंस आप लोग को मिल जाया करेगी। एंड इस वीडियो को प्लीज़ आप लोग एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए, और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए, सबसे पहले हम अपना कॉटन थ्रेड ले रहे हैं, प्लस हम हुक साइज लेते हैं 3 mm भी आप ले सकते हैं या फिर 2.75 mm भी ले सकते हैं। देखिए, स्लिप नॉट हम आपको दो तरीके से बताएंगे। फर्स्ट, बहुत ही सिंपल सा पैटर्न, आप थ्रेड को ऐसे पकड़िए, ऐसे एक ऐसे करके देखिए, क्रॉस से कैसे रेडी कर लीजिए, या सॉरी ये देखिए इस तरीके से क्रॉस रेडी कर लिया, ये आप देख सकते हैं। अब ये वाले थ्रेड को इसके अंदर से निकालिए, पुल कर दीजिए। देखिए, हमारी स्लिप नॉट रेडी हो गई। मैं अगेन आप लोग को बताती हूँ, फिंगर से इसको रिमूव कर दीजिए, ये वाले थ्रेड को इस तरीके से इसके अंदर से ले आइए। यहाँ पे देखिए, इसको ऐसे पकड़े रहिए, इसको ऐसे पुल कीजिए, ये हमारी स्लिप नॉट रेडी हो गई। अब आप इसे पुल करके इस नॉट को छोटा या बड़ा साइज कर सकते हैं। एक तो ये बहुत ही सिंपल सा पैटर्न है, एक मैं आप लोग को और पैटर्न बता देती हूँ। अब ऐसे करके फिंगर पर, ये वाली जो हमारी फिंगर है इस पर देखिए, आप इस तरीके से थ्रेड को देखिए हमने लिया लाइक दिस। ये वाला जो हमारा थ्रेड है जो कि वर्किंग नहीं है, इधर साइड वाला, इसको देखिए ऐसे करके ले लेंगे लाइक दिस। देखिए, ये क्रॉस आपको रेडी करना होगा। आप देख सकते हैं कि ये वाला थ्रेड हमारा इस साइड पर है एंड ये इसके नीचे से क्रॉस हुआ है। अब इसको हमें देखिए फिंगर पर अगेन ऊपर ऐसे करना होगा, अगेन इसको इधर ला के फिर यहाँ पे इसको फिंगर से प्रेस कर लें, एंड ये वाला जो थ्रेड है हमारा पहले वाला, इसको इसके ऊपर से इस तरीके से उतार दें। ये देखिए, ये भी हमारी एक स्लिप नॉट रेडी हो गई है। फर्स्ट वाला देखिए वो बिगनर्स के लिए बहुत फ्रेंडली है। मैं इसको भी अगेन आपको एक बार बताती हूँ, मैं 2 times सिर्फ इसलिए बता रही हूँ जिससे कि जो बिगनर्स हो वो ईजिली समझ जाए। देखिए, ऐसे क्रॉस बस कर लीजिएगा इसको। आप पहले देखिए इधर इसको करेंगे तो ये क्रॉस नहीं हो रहा,
आप इसको इधर पहले कर लीजिए जैसे कि ये क्रॉस बन जाए इस तरीके से। एंड फिर इस वाली को, ये हमारा देखिए बॉल पे जो वर्किंग वाली है, ये वाला थ्रेड है ये, इसको इस पे इस तरीके से फिंगर पे लिया, यहाँ पे इसको भी ऐसे देखिए प्रेस कर लें, दोनों को ऐसे रोके रहें यहाँ पे। एंड जो ये वाली है इसको इसके ऊपर से ऐसे उतार दें, ये देखिए हमारी स्लिप नॉट रेडी हो गई। अब आप दोनों में से कोई भी पैटर्न स्लिप नॉट के लिए यूज कर सकते हैं। चलिए मैं इसी पैटर्न से आगे आप लोगों को वर्क करके भी दिखाती हूँ। इसको आप ऐसे टाइट कर लें थोड़ा सा, अब आप देखिए कि सिंगल क्रोशिया का वर्क कैसे किया जाता है। लाइक हमने देखिए ऐसे थ्रेड लिया हुआ, अब ये देखिए ये हमारा हुक इसमें है, इस थ्रेड को ऐसे देखिए इस पर ऐसे पुल किया, देखिए इस तरीके से जब हम ऐसे लिए हुए हैं हुक, इसको बस ऐसे राउंड करना होगा इस पर एंड इसको इसके अंदर से निकालना होगा लाइक दिस। अगेन देखिए बहुत ही सिंपल सा पैटर्न है, आप देख सकते हैं कि इस तरीके से देखिए आप यहाँ पे जैसे ये वी रेडी हो रहे हैं। जस्ट अ मिनट, मे बी वीडियो ब्लर हो रही है। यस, ये देखिए ये आप देख सकते हैं ये ऐसे करके वी रेडी हो रहे हैं। तो ये जो वी है हमारे, ये हमारा एक काउंट होगा। लाइक देखिए हमने कितने सिंगल क्रोशिया भी वर्क किए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। अब इसी तरीके से आप इसे कितने भी देखिए वर्क कर सकते हैं। लाइक देखिए हम 7 वाले को अगेन कर लेते हैं, देखिए 7 हो गया, 8 देखिए अगेन वी बन गया, 9, 10, 11, 12 देखिए इसी तरीके से ही ये बढ़ते जाएंगे। अब देखिए इसमें जो मेन कॉमन मिस्टेक्स लोग करते हैं, लाइक अगर आप देखिए थ्रेड को, ये वाला जो हमारा थ्रेड है जो कि हुक पर है, अगर आप इसे बहुत छोटा ऐसे कर देंगे और इसमें से निकालेंगे, देखिए कितना टाइट हो रहा है, नहीं निकलेगा जल्दी ये, और अगर ये निकल भी आप आएगा तो ये देखिए इतनी छोटी सी ये वी बनी है कि नेक्स्ट जब आपको इसमें वर्क करना होगा, लाइक आप सिंगल क्रोशिया डबल क्रोशिया जो भी वर्क करेंगे वो आप वर्क करना इजी नहीं होगा आपके लिए। तो ऐसे कभी भी वर्क ना करें। एंड कुछ लोग एक मिस्टेक और करते हैं कि इस थ्रेड को ऐसे पुल कर लेते हैं एंड इसके बाद वर्क करते हैं, तो ये देखिए ये कितनी लूज स्टिच हो गई है। तो इस तरीके से भी वर्क नहीं करना है, कि हमें ना तो बहुत ज़्यादा सिंगल क्रोशिया को टाइट करना है ना ही बहुत ज़्यादा लूज करना है। एक जो इसकी नॉर्मल सी साइज रहती है ये आप देख सकते हैं, इसी तरीके से हमें वर्क करना होगा। देखिए ना तो हम बहुत ज़्यादा देखिए टाइट कर रहे हैं ना बहुत ज़्यादा लूज कर रहे हैं, एक नॉर्मल साइज कर लें। एंड देखिए हुक को पकड़ने का तरीका भी सबका अलग अलग होता है, लाइक मैं ऐसे देखिए पकड़ रही हूँ, कुछ लोग ऐसे भी पकड़ते हैं, तो जिसको जैसे सुटेबल लगे आप वैसे पकड़ के वर्क कर सकते हो। ये तो मैंने आपको देखिए कॉटन थ्रेड पे बता दिया, सेम पैटर्न ही रहेगा सारे थ्रेड्स पर, आप किसी पर भी वर्क कीजिए, बट आप लोग के समझने के लिए मैं बता देती हूँ अलग अलग थ्रेड्स पर भी एक बारी। लाइक देखिए इसके लिए हम 4 mm का हुक ले लेते हैं स्लिप नॉट का, जो कि कॉमन सा पैटर्न मैं वर्क करती हूँ, दिस वन फर्स्ट वाला। देखिए बस इसी तरीके से थ्रेड को लेते चले वर्क करते चले, आप किसी पर भी वर्क कर लीजिए, देखिए कितना ऐसा इजी सा है इसको रेडी करना। मैं आपको अब इस पर भी वर्क करके दिखाती हूँ, जो कि मैं एम्ब्रॉयडरी वाले थ्रेड्स पे वर्क करती हूँ। हम 0.75 mm हुक साइज ले लेते हैं, देखिए इस पे मैं आपको सेकंड वाला जो स्टेप था वो बता देती हूँ एक बार फिर से। ऐसे देखिए थ्रेड को लिया, इसको देखिए ऐसे इस पे करके
क्रॉस किया है बस, इस तरीके से। अगेन इसको इस पे लिया, अगेन यहाँ पे लिया, एंड जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। लाइक दिस, देखिए हमारी स्लिप नॉट रेडी हो गई है। अब देखिए हमने हुक को इस पे ले लिया और इसी तरीके से देखिए थ्रेड को लेते हुए वर्क करते चले। ज़्यादा लूज स्टिचेस नहीं रखने होंगे, मैं इसमें देखिए आपको थोड़े से लूज ही दिखा रही हूँ अभी। एक्चुअली इसके जो स्टिचेस रहते हैं वो आप देख सकते हैं, बहुत ही छोटे स्टिचेस रहते हैं, इसीलिए ईयरिंग्स वगैरह के स्टिचेस पे एम्ब्रॉयडरी थ्रेड पे वर्क करना इजी नहीं होता है, मेनली जो बिगनर्स हों उनके लिए। ये देखिए ये इनका जो मेन रहता है, एग्जैक्टली इस तरीके से ये स्टिचेस आने चाहिए। सो आई होप फ्रेंड्स कि आज आप लोग की ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी कि स्लिप नॉट कैसे वर्क करते हैं एंड सिंगल क्रोशिया का वर्क कैसे करते हैं। तो अगर वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।